ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो देश की राजधानी दिल्ली की चौकट पर पिछले 27 दिनों से सर्द शीत लहर में किया जा रहा है। यह एक ऐसा विरोध प्रदर्शन है जिसमें चेहरों पर आक्रोश और अजीब सी दहशत है, इसके बावजूद इरादे बुलंद है। लाखों आंखें जैसे कह रही है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है और वो इस कानूनों को वापस लिए जाने की जिद पर अड़े हैं, जिसे भाजपा की मोदी सरकार ऐतिहासिक बता रही है। वे कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की उम्मीद पर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हैं। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी इनका इरादा नहीं डिगा सकी है। हर दिन बुलंद होती आवाज में एक ही स्वर सुनाई दे रहे हैं, चाहे कितनी ही ठंड क्यों न पड़े, अब यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार इन्हें राजद्रोही और नक्सली भी बता रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अन्नदाता यानी किसानों की, जो पिछले 27 दिनों से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में डेरा डालकर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। इस विधेयक का विरोध पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से शुरू होकर अब देश के अधिकांश राज्यों तक फैल गया है। भाजपा सरकार के खिलाफ किसान आंदोलित होने लगे हैं। किसानों के हर दिन बढ़ रहे गुस्से की आग केंद्र सरकार हर कदम बहुत संभल कर आगे बढ़ा रही है। पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को मनाने की पुरजोर कोशिश की और आश्वासन भी दिया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। इस बार किसानों ने भी ठान लिया है कि कृषि कानून को वापस कराकर ही पीछे हटेंगे। बात को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको 2 महीने पीछे लिए चलते हैं। इसी वर्ष सितंबर महीने में संसद के मानसून सत्र के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून विधेयक पारित करवाया था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह कानून आगे चलकर किसानों में इतना आक्रोश भर देगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों के संसद से पारित होने के बाद कहा था कि अब किसानों को अपनी फसल मंडी ही नहीं, किसी भी खरीदार को किसी भी कीमत पर और किसी भी राज्य में बेचने की आज़ादी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण विधेयक अब उनके गले की पास बनता जा रहा है। हमारे देश का अन्नदाता इस उम्मीद के साथ हाड़ कपा देने वाली इस सर्द रातों में दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं कि एक न एक दिन केंद्र सरकार जरूर हमारी मांगों को मान लेगी। मोदी सरकार भी किसानों को नाराज करना नहीं चाहती है, लेकिन किसान विधेयक को वापस नहीं लेने पर भी अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रोजाना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अन्नदाता अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले 24 दिनों में लगभग 15 दिन किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने अपने संबोधन में दिल्ली में मौजूदा किसानों और कृषि कानूनों के बारे में चर्चा जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद भी वे राजधानी में मौजूदा किसानों को मना नहीं पाए। वहीं पीएम मोदी किसानों को भड़काने में विपक्ष का हाथ बता रहे हैं। मोदी इस बात को अपने हर एक भाषण में कहते हुए दिखाई दिख जाएंगे। इस बार भाजपा सरकार का देश में कृषि कानून लागू करना अभी तक उल्टा दाव पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सबके बीच पीएम मोदी ने किसानों को ये भी भरोसा दिया है कि किसी भी हाल में एमएसपी खत्म नहीं होगी और न ही मंडियां खत्म होने वाली है। दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश में कई विधेयक पारित किए थे, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून NCR और GST आदि के विरोध में कई दिन प्रदर्शन हुए थे। लेकिन इन कानूनों को लेकर मोदी सरकार इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वह कृषि कानूनों को लेकर अभी तक हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह कानून सीधे ही पूरे देश के किसानों से जुड़ा हुआ है। चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, कोई भी किसानों को नाराज करके सत्ता पर अधिक दिन तक काबिज नहीं रह सकती। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के आला शीर्ष नेता भी जान रहे हैं, तभी किसानों के मुद्दों पर हर कदम पर बयान फूंक फूंक कर रख रहे हैं। किसान सरकार से साफ साफ कह रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार इन कृषि कानूनों की आड़ में उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रही है और इसी के तहत MSP और मंडियों को इस कानून के जरिए आने वाले वक्त में खत्म कर दिया जाएगा। किसानों की माने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है और इसके जरिए वो एक तरह के बड़े उद्योगपतियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। किसानों का साफ कहना है कि सरकार को इस कानूनों को वापस लेना ही होगा। इसी मांग को लेकर किसानों का धरना पिछले 27 दिनों से जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांग को लेकर डेरा डाले हुए हैं और सरकार के सामने लगातार अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।